गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत देख लो भाई, एकदम बाहर से स्टार्ट किया है मैंने। हमेशा घर से ही कर रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा सा हटके करते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं। और वो भी मैं बता दूं, मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हो ना, ये बेलूर मठ हॉस्पिटल है और यहाँ हम लोग आते हैं यहाँ का मस्त कचौड़ी खाने के लिए। सुबह सुबह भाई कमाल का मिलता है। और हम लोगों से मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग भाई, क्या है ये कश्मीर वाला लुक इधर क्यों? नहीं नहीं ठंड भाई बहुत बढ़ गया है, लोगों को देख सकते हो आप यहाँ पे। पिछले 3 या 4 वीडियो से आपने देखा होगा मैं ठंड को लेकर काफी कंप्लेन कर रहा हूँ। वाकई में ठंड काफी बढ़ा है और काफी सारा मैं आर्टिकल भी देख रहा था, ये सीजन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर गया था कल तो। हाँ भाई ऐसा कुछ सीन है अभी, वही मैं बोला इतना ठंड क्यों लग रहा है हमें। फिलहाल अभी देख लो मैं ऐसे ही निकल गया हूँ, मेरे को लगा अभी थोड़ा कम होगा क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कितना अभी यहाँ पे देख लो और 9 बजने वाला है, मेरे को लगा अब धूप आ गया होगा, बट नहीं भाई ठंडा ठंडा हवा चल रहा है भाई। सोचे कि चलो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर जाना था हमें मूवी देखने के लिए। हाँ भाई तो मैं बता दूं, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए हनुमान, और अभी मैंने जस्ट टिकट बुक करा मतलब 5 मिनट पहले, और भाई पूरा थिएटर खाली है। और मैंने अपने घर वालों से रिव्यू सुना, मेरे घर में काफी लोगों ने देख लिया है तो सब काफी अच्छा बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे। मैं बोला चलो हमें भी देखना बनता है, अभी घर पे है वेले ही बैठे हुए हैं तो जाके देख लेते हैं मूवी। तो अगर अच्छा रहेगा तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा मैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने। ये जो देख रहे हो ना ये रहा हॉस्पिटल, और ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे मस्त कचौड़ी मिलता है, लेकिन यार आधा टाइम तो बंद रहता है पता नहीं क्यों। चलो एक काम करते हैं, अभी जाते हैं रंगोली मॉल, वहीं पे देखते हैं कुछ बढ़िया मिलेगा खा लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। भाई साहब देख लो अभी मैं मॉल पहुंच चुका हूँ, रंगोली मॉल सब कुछ बंद है, जबकि अभी 10 बजने वाला है, मतलब 10 नहीं बजे अभी 9 बज रहा है। अभी देख लो बस बाजार कोलकाता खुला हुआ दिख रहा है, बाकी मैक्सिमम चीज बंद ही दिख रहा है। वैसे तो सोचे थे कि हम लोग बेलूर के पास वो जो कचौड़ी मिलता है ना वहाँ ब्रेकफास्ट करके मूवी देखने चले जाएंगे, लेकिन वो कचौड़ी वाले भैया तो बंद रखे थे, पता नहीं क्या रीजन है, वो मैक्सिमम टाइम उनका बंद ही रहता है जब भी जाते हैं। और मॉल में भी आया देखे सब कुछ बंद था, कुछ भी ओपन नहीं था, वो भी थिएटर के अंदर भी कुछ ओपन नहीं था। वो बोले कि सर 10 बजे के बाद ही ओपन होगा, क्योंकि सुबह का जब शो रहता है तब ओपन हो जाता है, वैसे अभी है नहीं तो नहीं है। और मैं बता दूँ मॉल के जस्ट बाहर में प्रभु जी हल्दीराम है, वो ओपन था, वही अभी हम लोग आ गए। यहाँ का लवली खाएगी क्लब कचौड़ी, मैं इडली खाऊंगा, इडली इडली मतलब मैं जब भी इडली बोलता हूँ बोलता हूँ बहुत भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, आप इडली बोलते हो, इडली खाऊंगा इडली। और क्या लिया है मैंने, हाँ लवली का जलेबी भी आएगा। यहाँ पे देख लो लवली का कचौड़ी आ चुका है, क्लब कचौड़ी। और प्रेजेंटेशन देख लो भाई साहब, मस्त एकदम भुजिया का पैकेट है, टिश्यू देख लो कितना बढ़िया से सजा कर दिया इन्होंने। और सबसे बढ़िया बात ये जो क्लब कचौड़ी है ना एकदम गर्मा गर्म है, जबरदस्त होता है ये, कभी ट्राई करना, और देख के भी लग रहा अच्छा है ना। मन ही कर रहा खाने का, बस वीडियो के लिए रुके हुए थे। चलो ठीक है भाई बढ़िया, मेरा जलेबी भी आ रहा है अभी, पता मेरा जलेबी हाँ थोड़ा तो खा ही सकता है ना। तो बस देख लो ये आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट और ये लवली का, तो ट्राई कर लेते हैं फिर बाद में आपको बता देंगे कैसा था। इडली तो मैंने खाया हुआ है यहाँ का, अच्छा होता है। क्लब कचौड़ी साथ फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना हम लोग यहाँ का, तो लवली बता देगी कैसा है। फिलहाल अभी हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि 9:55 का हमारा शो है, 9:26 हो गया। हालांकि ये मॉल के नीचे ही हम लोग टॉप फ्लोर में मतलब इनॉक्स है, हमेशा की तरह इनका इडली तो है कमाल का। क्लब कचौड़ी कैसा है और सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि हींग कचौड़ी है तो मजा आ रहा है भाई, जबरदस्त है। एक बार हल्दीराम सुबह सुबह आओगे तभी आपको शायद ये मिलेगा, तो एक बार ट्राई करके देखना यहाँ का क्लब कचौड़ी। प्राइस मैं बता दूँ 65 रुपीज़ करके प्लेट है, जिसमें 5 पीस रहता है ना कि 4 6 पीस था, 6 पीस रहता है सर। और ये इडली महंगा है थोड़ा, 100 रुपये का 2 पीस है, नहीं ठीक है चलो, ये कचौड़ी ट्राई करना बहुत अच्छा है। लो जी आ गया इसका गर्मा गर्म जलेबी, ये भी देख के लग रहा है टेस्टी है। ओवरऑल मस्त ब्रेकफास्ट हो गया भाई, ये तो लंच हो गया लग रहा है। अभी हम लोग अंदर तो आ गए हैं और हमेशा ऐसा होता है कि जो शो का टाइमिंग रहता है ना हम लोग उस समय पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी भी ओपन नहीं रहता है गेट। अभी साफ सफाई का काम चल रहा है भाई, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। 9:55 का शो है, 9:51 हो गया और ब्रेकफास्ट करके भाई मजा आ गया सच बता रहे हैं। और अंदर आते ही मैंने ये अपने लिए हेजलनट कॉफी ले लिया है, बाकी ब्रेकफास्ट कमाल का था ना। अब देखो कितना देर में ओपन होता है, अंदर तो ज़्यादा सूट करेंगे नहीं, बाकी आपको मूवी का रिव्यू मिल जाएगा किस टाइप का मूवी है, आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो देख लो भाई अभी हम लोग अंदर तो आ चुके हैं, थिएटर पूरा खाली है अभी, मतलब आधा से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये मूवी आया भी है। बाकी चलो चेक करते हैं, बहुत तारीफ सुना है, देख लो पूरा खाली है भाई, पूरा खाली है, गिन के मतलब टोटल 10 लोग भी नहीं है सोच लो, ऐसा हाल हो रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो पूरा मूवी थिएटर हम लोगों ने बुक कर लिया। अभी तक इंटरवल तक कैसा लगा मूवी? सच बोले तो बुराई भी नहीं कर सकते, बच्चे लोग के लिए ठीक है उतना, हमको तो मैं बताऊं
कोई मिल गया जो मूवी नहीं था उसका अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेटर था ना, कोई मिल गया ठीक ठाक से जा रहा अभी तो मूवी, बाकी इंटरवल के बाद बताते हैं। और थिएटर देख लो पूरा खाली है भाई, मुश्किल छह लोग होंगे। अभी जस्ट हम लोग मूवी देखकर निकले हैं, और अगर मैं मूवी रिव्यू की बात करूं तो मैं बता दूं इंटरवल से पहले तक मूवी मतलब ठीक ठाक सा जा रहा था, इंटरवल के बाद भी ठीक ठाक था मूवी। एक जो मतलब ब्रदर एंड सिस्टर का जो बॉन्ड दिखाया ना रिलेशन, वो जो सीन था ना काफी टच किया। अदरवाइज एक काफी बढ़िया गूजबम भी आया जो म्यूजिक वगैरह यूज किया गया था, और लास्ट एक क्लाइमेक्स सीन है वो देखना बहुत अच्छा लगेगा। बाकी यही है, अब निकलते हैं घर के तरफ। घर पे काफी लोग मतलब बोला था कि देखना जरूर एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, VFX बहुत अच्छा है, VFX अच्छा है नो डाउट। आदिपुर से अगर कंपेयर करोगे तो VFX आपको अच्छा ही लगेगा, अदरवाइज ठीक है मूवी, काफी बढ़िया बनाने का कोशिश किया गया है, देख सकते हो एक बार। खास करके बच्चों को दिखाना बहुत अच्छा लगेगा, और मूवी के थ्रू एक मैसेज भी देने का ट्राई किया गया है। अभी जस्ट मैं आया हूँ घर, और घर आते ही ना भाई काफी बढ़िया खुशबू आ रहा था, मैं समझ गया मम्मी ने बनाया है मेरा फेवरेट तहड़ी। और तहड़ी मेरे को बहुत पसंद है, कभी ट्राई करेंगे ना मम्मी का जो तहड़ी बनाने का रेसिपी है वो आप लोगों को बताएं, आप लोग कभी ट्राई करना घर पे बनाकर भाई, जबरदस्त होता है। और पता नहीं वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्चुअली वो खिचड़ी होता है, मैंने बताया हुआ है बहुत पहले भी, खिचड़ी का समझो ड्राई वर्जन है वो, मतलब उसमें राइस गीला गीला नहीं होता है, थोड़ा सा फ्राइड राइस जैसा होता है, खुला खुला टाइप का होता है, खिचड़ी में दाल रहता है, इसमें दाल नहीं रहता है। अच्छा, ये घी से बनाओ नहीं तो रिफाइन से बनाओ। यही है देख लो भाई अपना तहड़ी। बाकी लवली नहीं खाएगी अभी, वो थोड़ी देर बाद खाएगी, बाकी मैंने अभी ले लिया है। खाना पीना तो अपना हो गया है, और मैं एक बात बता दूं मूवी से रिलेटेड जो कि मैं बताना ही भूल गया। हम लोग जैसे थिएटर में मूवी देख रहे थे ना, लिटरली हमें ऐसा लग रहा था कि पूरा थिएटर हम लोगों ने बुक कर लिया है। टाइटल भी मैं यही देने वाला हूँ भाई, पूरा थिएटर भाई। हमारे अलावा समझो और चार पांच लोग थे, और चार लोग थे हमारे अलावा जो कि हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए थे, पूरा थिएटर खाली था भाई। और ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग मूवी है, आप देख सकते हो मूवी, बच्चों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, देख सकते हो मूवी, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बाकी आज तो लिटरली पूरा वो फील आ गया कि जो पूरा जो पर्सनल थिएटर होता है वो कैसा एक्सपीरियंस देता है। लेकिन एक बात बताएं, खाली खाली थिएटर में ना मूवी देखने का मजा भी नहीं आता, जब थोड़ा भीड़ होता है ना, लोगों का रिएक्शन, जो मतलब कुछ ऐसा सीन होने वाला रहता है, लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं पूरा, वो एक फील है भाई थिएटर में देखने में, वो एक फील है। अगर आप खाली थिएटर में देखोगे तो क्या ही फील आएगा। तो कुछ यही बात था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, काफी छोटा एंड सिंपल ब्लॉग था, क्योंकि ज्यादा कुछ मैंने किया भी नहीं है इसलिए काफी सिंपल ब्लॉग था। तो एक काम करते हैं, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय।